देखो भाई, अपन पढ़ रहे हैं, तुम भी देख लो भाई, पहले अपन पढ़ रहे हैं क्वांटम संख्या। क्या पढ़ रहे हैं बताओ? क्वांटम संख्या पढ़ रहे हैं कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, क्वांटम नंबर है, क्वांटम संख्या क्या होती है वो देखो भाई। तो क्वांटम संख्याओं की जरूरत पड़ी क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ठीक है ना, इन सबको बताने के लिए उपकोष, कक्षक, इन सबको बताने के लिए क्वांटम संख्याओं की जरूरत पड़ी। और वो चार क्वांटम संख्याएं थी, एक तो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, दूसरी होती है द्विगंसी क्वांटम संख्या, और तीसरी होती है भाई चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी होती है अपने पास चक्रण क्वांटम संख्या। पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या हो गई थी भाई, अपनी मुख्य हो गई थी, ठीक है, मुख्य हो गई। दूसरी अपन लेते हैं द्विगंसी, द्विगंसी संभागी देखना क्या होती है भाई। तो अपन दूसरी क्वांटम संख्या ले लेते हैं, कौन सी? द्विगंसी क्वांटम संख्या। देखो भाई, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि यह किसने दी थी बताओ? सोमरफिल्ड ने दी थी भाई, ये लो भाई। किसने दी थी? सोमरफिल्ड ने दी थी भाई, पहली बात। दूसरी बात, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं भाई, अभी तक तो कोई ज्यादा जरूरी बात नहीं, एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। अपन इसको इंग्लिश में पढ़ लेंगे, सोमरफिल्ड को, और एल से ही वो रिप्रेजेंट करेंगे ना, प्रदर्शित करेंगे। किसको बताती है वो सुनो, एल उपकोष की आकृति को बताती है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एल किसको बताती है बताओ? उपकोष की आकृति को बताती है। कैसे बताती है? एल की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 होती है। एल की वैल्यू कितनी होती है? 0, 1, 2, 3। और इसमें उपकोष कितने होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात, कि एल की वैल्यू अगर 0 हो तो एस उपकोष होगा, एल की वैल्यू 1 हो तो पी होगा, एल की वैल्यू 2 हो डी होगा, और एल की वैल्यू 3 हो तो एफ होगा भाई। याद रखने वाली बात है, एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, एस पी डी एफ, ठीक है। अब ये जो एस पी डी और एफ है, 0 गोल है तो एस गोलाकार होता है भाई, एस उपकोष कैसा होता है? गोलाकार ऐसा होता है, देखो गोलाकार ये रहा, ऐसा होता है एस। एल की वैल्यू कितनी है? 1। 1 का मतलब होता है एक डंबल, तो पी उपकोष की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार, एक डंबल होगा ये लो, किसकी बना दी है? पी की। अब किसकी बनाए? डी की। एल की वैल्यू कितनी है? 2। 2 डंबल होंगे, द्वि डंबलाकार, एक डंबल 2 डंबल, ठीक है। एफ, एफ की स्ट्रक्चर जटिल होती है, इसकी नहीं पढ़ते अपन। तो ये बात बताओ वापस, ये एल किसको बताती है? उपकोषों को। पहली, एल किसको बताती है बताओ? उपकोष को। कैसे? एल की 0 हो एस, 1 पी, 2 डी, 3 याद हो जाएगा ऐसे। उसके बाद इनकी आकृति याद करो, एस की आकृति कैसी, पी की आकृति 1 डंबल, डी की
दो डंबल F जटिल, तो बताओ L किसको बताती है? उपकोष को बताती है या उपकोष की आकृति बताती है? यहां तक समझ आ गई भाई? इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसकी एक फार्मूला बताता हूं मैं, 12+1। ठीक है, अब ये 12+1 क्या है? एक होगा 2, 12+1। ठीक है, इनको बताने से पहले मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और एक एफ होता है। ये अपने पास क्या है? उपकोष है। एसपीडीएफ क्या है? उपकोष है। और इन उपकोषों में कक्षक कितने होते हैं? 1, 3, 5, 7, याद कर लो भाई। उपकोष में कक्षक कितने होते हैं? 1, 3, 5, 7। एल की वैल्यू कितनी? 0, 1, 2, 3। एल की वैल्यू 4, बताओ किसके लिए होगी? एल की वैल्यू 4, गिनो भाई, 0, 1, 2, 3, 4, एस पी डी एफ, एफ के बाद नहीं पता क्या आएगा? एबीसीडी नहीं आती? ये तो उल्टे सीधे, कोई उल्टे सीधे नहीं है, जी आएगा। एस पी डी एफ जी एच, ऐसे। ठीक है, अब ये फार्मूले मैं बता रहा हूं, तो कक्षक हो गए 1, 3, 5, 7, कैसे निकालेंगे वो आ जाओ यहां। फार्मूला क्या है भाई? उपकोष में कक्षक निकालने का फार्मूला है 12+1, और उपकोष में इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला है 2, 12+1। ये फार्मूले हैं, एक एक लेते हैं अपन। पहला लेते हैं एस उपकोष, एक एक को ध्यान से, सावधानी से, आराम से समझते चलो। एस उपकोष आपने पढ़ रखा, गोलाकार होता है। एस उपकोष के लिए एल की वैल्यू बोलो, 0, 1, 2, 3, 4। एल की वैल्यू 0। कक्षक निकालने का फार्मूला लगा दो, कक्षक बराबर बोलो 12+1, सही है, बोलो 2×0+1 बराबर एक कक्षक आ जाएगा। पहले ही बता दिया मैंने एक कक्षक होता है, सही है, फार्मूले से निकालना बता दिया, चाहे डायरेक्ट याद कर लो। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ध्यान रखना एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 7 कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 कक्षक में 10 आएंगे, 3 में 6 आएंगे, 1 में 2 आएंगे। कितना कक्षक है भाई? 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे। कैसे आएंगे बताओ? 2, फार्मूला कौन सा है? 2, 12+1, है ना? एक कितना जाएगा बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा ना यार, कक्षक एक है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे एक कक्षक में। एस की खानी पूरी, एस के बाद क्या ले लें बताओ? पी ले लें, पी उपकोष ले लेते हैं भाई। एल की वैल्यू बोलो 1। कक्षक निकालने का फार्मूला होगा 2L+1, बोलो जल्दी। अब 2×1+1 कितना? 3 आएंगे, 3 आएंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी बताओ? 2, 2L+1, 3×6 आ जाएंगे, दोगुने होते ना। ये आ गए पी उपकोष की खानी भाई। पी के बाद क्या ले ले? डी ले लो, डी उपकोष ले लो। ठीक है, डी उपकोष की बात करें, ऐसा करो ना इसमें, चल रहने दो। डी उपकोष की बात करें, एल की वैल्यू बोलो 2, कक्षक बोलो 12+1, 2×2+1, 5 कक्षक आ गए, सही है कि नहीं? 5 कक्षक आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे भाई? 2,
12 प्लस, ऐसा करो मैं पांच कक्षक कौन कौन से होते हैं वो एक बार और वापस जिक्र कर देना, पांच कक्षक कौन कौन से होंगे, है ना। पांच कक्षक कौन कौन से होंगे भाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है। ठीक है, देखो भाई डी उपकोष में कितने कक्षक हैं बताओ, पांच। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एक्स वाई कैसा होता है, एक्स वाई होता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और वाई के बीच में, देखो एल का मतलब दो है, दो का मतलब दो डंबल, सही है। अब वो दो डंबल कहां होंगे, एक्स और वाई के बीच में, ये लो भाई डी एक्स वाई बन गया, ये वाई और ये जेड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी बताओ, वाई और जेड के बीच में, सही है कि नहीं। डी जेड एक्स, जेड और एक्स के बीच में, सही है। तो ये तीन कक्षक, कक्षकों की आकृति याद रखो, डी उपकोष, एक और वापिस और चलूंगा मैं ना, डी उपकोष, एल कितना दो और कक्षक कितने पांच, पांच कक्षक होंगे वो कौन कौन से होंगे, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एक्स और वाई के ऊपर। ये तीनों तो ऐसे थे जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस होती है अक्षों के बीच, और ये दोनों ऐसे होंगे जिनमें अलोंग द एक्सिस अक्ष के ऊपर। अब अक्ष के ऊपर होगी कौन सी, अक्ष के ऊपर एक्स और वाई के ऊपर, या बोलो जेड के ऊपर, जेड के ऊपर, एक्स और वाई के ऊपर भी होती है लेकिन वो थोड़ी थोड़ी घोड़ा सा लगा देते बीच में। जेड के ऊपर तो बहुत ज्यादा होती है, एक्स और वाई पर थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ी थोड़ी एक घोड़ा सा बना लेती है, ये डेज स्क्वायर का, सही है। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ, कौन सा फार्मूला, टू ट्वेल्व प्लस वन, दो दो गुणा दो प्लस एक, दस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दुगुने होते हैं भाई। डी हो गया, डी के बाद एक बार वापस लेता हूं, कौन सा मैं, पी, पी वापस लेते, उसके कक्षक नहीं बताए ना, वापस ले लेते कोई बात नहीं, देखो वापस ले लेते अपन एस, एस को रहने दो, पी ले लेते हैं, पी उपकोष ले लो, पी उपकोष में एल की वैल्यू कितनी, एक, तो कक्षक कितने हो जाएंगे भाई, ट्वेल्व प्लस वन, दो गुणा एक प्लस एक, कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे ना, तीन कक्षक हो जाएंगे। और इधर इलेक्ट्रॉन भी निकाल दूं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे, टू ट्वेल्व प्लस वन से, तीन कक्षक है तो छह इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, निकालने की जरूरत नहीं, वैसे ही पता अपन को, एक कक्षक में दो आते हैं तो तीन में कितने आ जाएंगे, ठीक है। कितने कक्षक है बताओ, तीन, और एल की वैल्यू एक है, इसका मतलब एक डंबल, एक डंबल होगा, तीन कक्षक है, कौन कौन से होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी, एक डंबल होगा कहां, एक्स पर, एक डंबल होगा कहां, वाई पर, एक डंबल होगा जेड पर, सही है। ये हो गया, अब ये पता है डंबल वगैरह क्या है, ये डंबल से क्या है, ये डंबल से, ये डंबल से है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, ये डंबल क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है भाई, सही है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एक्स अक्ष पर बहुत ज्यादा है, आप इसे पी एक्स बोल दोगे, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना वाई एक्स पर बहुत ज्यादा, इसे आप पी वाई बोल दोगे, जेड एक्स पर बहुत ज्यादा, आप इसे पी जेड बोल दोगे, ठीक है। एस हो गया, पी हो गया, कक्षक हो गए, देखो भाई तीन कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एस में केवल एक ही कक्षक होगा,
निकाल के देख लो, एस ऑफ कोर्स एल की वैल्यू जीरो का मतलब गोलाकार होगा, ठीक है। कक्षक बोलो कितने होंगे, 12 + 1 2 × 0 + 1 कितना होएगा, और वो कैसा होगा, गोलाकार होगा, सही है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बताओ, एक हीरा, सही है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है चारों तरफ, जरूरी नहीं है यही हो, लोकेशन फिक्स नहीं होती, कहीं भी हो सकता है। 1925 से पहले बोर ने लोकेशन बताई थी कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एन बराबर एक में पाया जाता है, और 1925 के बाद में क्वांटम मैकेनिक्स आई, तब यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी हो सकता है भाई, न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। बोर गलत कह रहा था, हाइजेनबर्ग ने पढ़ा था आपने, हाइजेनबर्ग कहा था कि बोर तूने ऊर्जा भी निकाल ली, वेग भी निकाल लिया, पोजीशन भी निकाल दी एक साथ ही, ऐसा संभव है ही नहीं। पढ़ा था हाइजेनबर्ग कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत, एक बार में एक ही चीज निकाली जा सकती है। तो एस हो गया, पी हो गया, कौन सा बच गया, एफ बच गया। तो चलो एफ की तरफ चलते हैं अपन, एफ ऑफ कोर्स एल की वैल्यू बोलो 3, कक्षक बोलो 12 + 1 2 × 3 + 1 7 कक्षक होंगे, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 12 + 1 फार्मूले से, सही है। इनके स्ट्रक्चर नहीं बनाते अपन, क्यों, क्योंकि वो 3 बंडल है। अब दो को तो मैं बोर्ड पे बना सकता हूं, तीसरे कैसे बनाऊंगा बताओ, दो तो बना दूं मैं, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, सही है कि नहीं, एक ये तीसरा तो कैसे होगा बताए, एक लोब तो होगी बोर्ड के इस साइड और दूसरी लोब होगी परले खेत में, सही है कि नहीं, तो बना ही नहीं सकता मैं बोर्ड पे, दो लोब तो बना दी, एक ऊपर एक नीचे, एक इस साइड एक इस साइड, ये तो बना दी मैंने, तीसरी बना सकता हूं क्या, तीसरी नहीं बना सकता, इसलिए मैं यहां 7 कक्षकों की स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा भाई, आगे बात समझ में, ठीक है। और इनका जिक्र भी नहीं होता, एफ ऑफ कोर्स के जो 7 होते हैं, 7 कक्षक उनका, एल से कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात किया जा सकता है, क्या ज्ञात कर सकते बताओ, है कक्षीय कोणीय संवेग, और इस कक्षीय कोणीय संवेग को निकालने का फार्मूला क्या है भाई, म्यू एल इक्वल अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2π, ये फार्मूला है, क्या निकालने का बताओ, ये कक्षीय कोणीय संवेग, ठीक है ना भाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्या निकालने का है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षीय कोणीय संवेग निकालने का फार्मूला है, देख देते हैं अपन। एस ऑफ कोर्स की बात करूं मान लो मैं, तो एस ऑफ कोर्स के लिए आपको पता है एल इक्वल 0, 0 यहां रखो भाई, म्यू एल आ जाएगा अंडर रूट 0 0 + 1 एच अपॉन 2π, बताओ म्यू एल कितना आ जाएगा, 0 आएगा, आएगा कि नहीं भाई, 0 को 0 से गुणा करो 0 आ जाएगा, आ गया। इसके लिए किसके निकालने, अब पी का, पी ऑफ कोर्स का निकाले, एल इक्वल 1 म्यू एल निकालो अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2π, एल की वैल्यू कितनी, 1 1 + 1 एच अपॉन 2π,
अंडर रूट दो एच बटा दो पाई, बस वो नहीं रखने, एच की पाई की वैल्यू नहीं रखनी, बस इतना ही पूछता पेपर में। कंपटीशन एग्जाम यही दिया हुआ होता है, प्यूब कोस के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा, अंडर रूट दो एच अपॉन टू पाई। किसके लिए निकाल लिया, पी के लिए। किसके लिए निकाले, ड्यूब कोस, बोलो एल की वैल्यू दो है ना, और म्यू एल इक्वल अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, बोलो भाई दो दो प्लस एक एच अपॉन टू पाई, बोलो अंडर रूट छः, अंडर रूट छः एच अपॉन टू पाई, डी का आ गया। एफ ऑफ कोर्स बोलो एल इक्वल तीन म्यू एल 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 प्लस वन एच अपॉन टू पाई, बोलो अंडर रूट तीन तीन प्लस एक एच अपॉन टू पाई, बोलो अंडर रूट बारह एच अपॉन टू पाई, म्यू एल आ गया। सही है भाई, तो ये पढ़ लिया आपने, कौन सी क्वांटम संख्या बताओ, एल एजीमुथ, ये पढ़ लिया आपने एल, दी गंसी क्वांटम संख्या भाई। ठीक है, तो पहली होगी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या और दूसरी होगी दी गंसी क्वांटम संख्या। ठीक है भाई, एक बार मैं एन की बात बता दूं, स्टार्टिंग वाली, स्टार्टिंग वाली कौन सी है भाई, मुख्य क्वांटम संख्या, एल समझ में आएगी नहीं भाई, एल आ गई ना, उपकोष को बताती है मेनली, उपकोष में कितने कक्षक होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कक्षीय कोणीय संवेग को बताती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, मुख्य क्वांटम संख्या की। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, देखो मुख्य क्वांटम संख्या की अगर अपन बात करें तो ये न्यूक्लियस, यहां एन बराबर एक, एन बराबर दो, एन बराबर तीन और ये एन बराबर चार। सही है, इसको अपन ऐसे भी लिख देते हैं के एल एम और एन। तो ये जो एन बराबर एक दो तीन चार है, ये बताई थी किसने, बोर ने, किसने बताई थी, बोर ने। तो ये जो एन वर्ड आया है, मुख्य क्वांटम संख्या एन है, वो किसने दी थी बताओ, बोर ने। और ये बताया किसको बताती है, कोस को बताती है। तो ये एन बराबर एक दो तीन चार पांच क्या है, कोस। एस पी डी एफ क्या है, उपकोष। तीनों चीजों में अंतर समझो, कोष किसने दिया, बोर ने। क्या होता है, एन बराबर एक, एन बराबर दो, एन बराबर तीन, एन बराबर चार, ये कोष है। उपकोष क्या होता है, एस पी डी एफ किसने दिए थे, ये सोमरफील्ड ने दिए थे। एस पी डी एफ किसने दिए थे, सोमरफील्ड। तो कोष में क्या खोजे गए, और फिर उपकोष में क्या निकाले अपन ने, कक्षक निकाले, कौन से फार्मूले से, 12 प्लस 1 से। उपकोष में कक्षक निकाल लिए 12 प्लस 1 फार्मूले से, कक्षक आपने पढ़ लिए। एस में एक ही होता है, पी में तीन होते हैं, डी में पांच होते हैं, एफ में वो कक्षक आ गए। तो कुल मिलाकर की बात यह है, अपन ने पढ़ लिया क्या क्या, कोष पढ़ लिया, कोष के बाद क्या आ गया, उपकोष आ गया, उपकोष के बाद कक्षक। ये आधुनिक कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है कक्षक की। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास दो क्वांटम संख्याएं। ठीक है, तीसरी कल पढ़ेंगे भाई। ठीक है, चलो तो चलो इनको पढ़ाता हूं मैं।